अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एनालॉग कंप्यूटर वर्सेस डिजिटल कंप्यूटर। उससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनालॉग कंप्यूटर से। तो एनालॉग कंप्यूटर कहाँ यूज़ करे जाते हैं, सबसे पहले हमने ये डिफाइन करा हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर जो मेनली यूज़ होते हैं वो साइंस की फील्ड के अंदर यूज़ होते हैं, जो हमारी साइंस की फील्ड है यानी केमिस्ट्री वगैरह या फिर बायो, इस तरह की फील्ड्स के अंदर हम जो है नॉर्मली एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर हर तरह की फील्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर हो या साइंस हो, कुछ भी, हर चीज़ के अंदर जो है आपके पास क्या होते हैं, ये हर फील्ड के अंदर आपको क्या होंगे, यूज़ होते हुए नजर आएंगे डिजिटल कंप्यूटर्स। फिर आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो कंटिन्यूस कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूस होने का मकसद ये है कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि ये इनडेफिनाइट है। यानी कि समझ लें आप कि जैसे कोई चीज़ कंटिन्यूस है अगर, तो वो क्या होगी, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। यानी कि जैसे नंबर कंटिन्यूस है, नंबर का कोई एंड पॉइंट नहीं है, आप जहाँ तक गिनना चाहें वहाँ तक गिन सकते हैं। तो कंटिन्यूस चीज़ें वो होती हैं जो कि जिनकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हो, जो कि इनफाइनाइट हो। तो कंटिन्यूस मतलब इनफाइनाइट। तो ये क्या है, आपके पास जो इनकी करने का तरीका है, वर्किंग जो इसके सिग्नल के बेस पे ये वर्क करता है, वो क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, और वो क्या होती हैं, आपकी इनफाइनाइट होती हैं। जबकि एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आपके पास डिस्क्रीट नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। यानी डिस्क्रीट का मतलब है जीरो या वन, जीरो या वन यूज़ किया जाता है, और ये क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, यानी कि आप इसे काउंट कर सकते हैं, और ये ऐसा नहीं होता कि अनकाउंटेबल हो, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ये इनफाइनाइट हो। तो ये फाइनाइट स्ट्रक्चर पे वर्क करता है और ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। यहाँ पे थर्ड पॉइंट्स के अंदर तीन पॉइंट्स हैं, अगर आप एज अ स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, यानी कि आप पेपर में परफॉर्म करना, मतलब ये लिख कर आना चाहते हैं थ्योरेटिकल पेपर के अंदर, तो आप इसको तीन सेपरेट पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को समझाना और नॉलेज देना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, स्लो होते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। देन सेकेंड पॉइंट आपके पास ये है कि एनालॉग कंप्यूटर के पास मेमोरी कम होती है, यानी एनालॉग कंप्यूटर्स हैव लेस मेमोरी, आप ये लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट। एंड आपके पास थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या होते हैं, लेस एक्यूरेट होते हैं। यहाँ पे जो आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं आंसर देते, मतलब उनका आंसर थोड़ा सा 50-50 होता है, 50-50 तो नहीं लेकिन एक्यूरेट नहीं होता, बिल्कुल प्रॉपर 100% आंसर नहीं होता। एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, फास्ट होते हैं एनालॉग कंप्यूटर से, और फिर उसके अलावा इनके पास लार्ज मेमोरी होती है, यानी कि अगर आप एनालॉग से कंप्यूटर करें तो इसके पास मेमोरी जो है ज़्यादा होती है। देन उसके बाद अगर आप थर्ड कंपैरिजन करें जो कि बात थी एक्यूरेसी की, तो ये मोर एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, सही है। देन आ जाते हैं हम उसके बाद फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है दे आर स्पेसिफिक पर्पज, अच्छा दे हैव स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि ये कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं, यानी कि इनसे एक ही काम करवाया जा सकता होता है। जबकि आपके जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर आपका एक डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है वो, यानी कि डिजिटल आपका कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता है, यानी कि एक टास्क नहीं करवाते आप उससे, हर तरह का काम करवाते हैं उससे, गेमिंग, मैथ्स की कैलकुलेशन या कोई और काम, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे काम आप क्या करते हैं डिजिटल कंप्यूटर से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये जनरल पर्पस होता है और ये आपका क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है। देन उसके बाद आ जाता है आपका जो इसका आउटपुट जनरेट करने का तरीका होता है एनालॉग कंप्यूटर का, ये क्या करता है, सिग्नल्स की शेप में जो है एनालॉग जो है आपका आउटपुट जनरेट करके देता है। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर का जो आउटपुट आता है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आता है, सिग्नल्स होते हैं आपके और वो सिग्नल्स इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि इस तरह का उसका आउटपुट आता है। और जो डिजिटल होता है, डिजिटल का जो तरीकेकार होता है वो या तो जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे अभी कंडीशन जीरो है, या तो वन होगी, इस तरह ये जीरो वन जीरो वन जीरो वन, तो ये वर्क इस तरह से करता है, डायरेक्ट वन पे जाएगा, फिर डायरेक्ट जीरो पे जाएगा, फिर डायरेक्ट वन पे, और ये जो है ना ये टाइम पीरियड कहलाता है, यानी कि ये वन पर आया और फिर कितनी देर तक वन ही रहा उसको कहेंगे टाइम पीरियड, वो ये कंडीशन है। देन उसके बाद वो जीरो हुआ, फिर उसके बाद कितनी देर तक रुका, फिर वो जीरो वन हो गया, तो ये कंडीशन होती है आपके डिस्क्रीट के अंदर, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर या तो जीरो होगा या तो वन, जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं, यानी कि हर काम जीरो या वन की बेसिस पे हो रहा होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं। कुछ एग्जांपल इसकी ये भी ली जाती हैं कि
जैसे एनालॉग कंप्यूटर पुरानी प्रीवियस बुक्स के अंदर कहा जाता था, कुछ उसके अंदर अब वो भी इख्तलाफात समझ लें आप इस तरह से कि कुछ लोग बोलते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपकी हैंड में जो आप वॉच पहनते हैं या आपकी जो वॉल क्लॉक होती है ये सब आपकी क्या हो गई एनालॉग कंप्यूटर में आ गई, या आपका स्पीडोमीटर आ गया जो आपकी जो है गाड़ियों वगैरह के अंदर आपने देखा होगा वो सब भी एनालॉग के अंदर आ गए, और जो आपकी डिजिटल वॉच होती है जैसे स्मार्ट वॉच हो गई या कोई ऐसी वॉच जो जिसके अंदर आप डिजिट्स की फॉर्म में जो है आंसर देख रहे हैं तो वो आपकी क्या हो जाता है डिजिटल कंप्यूटर आ जाता है। तो कुछ लोग उसको इस कैटेगरी यानी कि आप 9th क्लास तक की अगर बुक्स में देखेंगे तो इस तरह से डिफाइन हुआ हुआ है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन यह है कि कोई इनपुट आप दें और प्रोसेस हो देन आउटपुट मिले, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से इन एग्जांपल्स को आप कोट मत किएगा, आप सिंपल अगर ये सिंपली अगर आप ये समझा देंगे यानी कि ये डिफरेंसेस लिख कर आ जाएंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे एनालॉग और डिजिटल के। तो पुरानी डेफिनेशंस या पुरानी चीज़ों को कोट करने से बेहतर होता है कि आप एडवांस चीज़ों को कोट करें अपने पेपर के अंदर ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। थैंक यू सो मच, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।